या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। अच्छा, इनका सवाल ये है कि इनके दिल में वसवसा आता है कि एक मर्द के साथ 50 औरतें होंगी तो किस तरह से ये 50 औरतें एक आदमी के साथ रहेंगी, जबकि इस्लाम में 4 ही शादियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती हैं, तो 50 औरतों का जो कॉन्सेप्ट है वो इनके समझ में नहीं आया। तो ये जो हदीस पाक का मफहूम है कि क़यामत के करीब हर मर्द की किफ़ालत के अंदर 50 औरतें होंगी, अवलन तो ये है कि 50 से मुराद हर शख्स के पास एग्जैक्ट 50 ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये मुबालगे वाली बात है। मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें होंगी और एक मर्द की किफ़ालत में, और इससे मुराद बीवियाँ भी नहीं है कि 50 बीवियाँ होंगी, क्योंकि 4 ही शादी जायज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इससे मुराद ये है कि उसकी किफ़ालत में, यानी कमाने वाला मर्द एक होगा और उसके अंडर खाने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब इसके अंदर जो है ना बहनों की तादाद हो सकती है और फूफी खाला दूसरे रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि लेडीज़ होंगी और वो उसके साथ होंगी। और क़यामत के करीब ख़वातीन की तादाद बढ़ने से मुराद ये है कि यानी उस वक्त में पैदाइश जो है वो लड़कियों की ज़्यादा होगी, तो जब लड़कियों की पैदाइश ज़्यादा होगी तो बर्थ रेट फीमेल की वजह से उनका बर्थ रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क़यामत के करीब इससे मुराद ये है कि जब ख़वातीन की तादाद बढ़ेगी। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जंग के अंदर जो है वो मर्द शामिल होंगे तो शहीद होंगे, इस एतबार से जो उनके पीछे ख़वातीन रह जाएंगी, तो इस तरह से जो है ना ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले उस वक्त ज़्यादा होगी। तो ये 2 रीज़न है, एक तो ये कि मर्द का जंग में शहीद होना तो इस एतबार से ख़वातीन की तादाद बढ़ना, दूसरा ये कि विलादत में लड़कियाँ ज़्यादा पैदा होना, तो उस वक्त अगर लड़कियां ज़्यादा पैदा होंगी तो इस तरह भी जो है ना लड़कियों की तादाद बढ़ जाएगी। मसलन किसी की 5 औलाद होंगी तो 5ों की 5ों बेटियां हो सकती हैं, या फिर एक बेटे पे 4 बेटियां हो सकती हैं, तो इस तरह से लड़कियों की तादाद ज़्यादा होगी। जब उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है कि कमाने वाला अगर मर्द घर में एक है तो उस घर के अंदर काफ़ी ख़वातीन होंगी, और दूसरे रिश्तेदारों की मसलन अगर जोड़ ली जाए तो इस तरीके से एक मर्द की किफ़ालत में 50 से मुराद ये है कि उनकी किफ़ालत बंदा करेगा, मतलब एक फैमिली को पालने वाला शख्स होगा, तो उसमें कम से कम 50 औरतें खाने वाली होंगी, मतलब अकेला तनहा कमाने वाला होगा, खाने वालों की तादाद ज़्यादा होगी। और इससे मुराद शादी नहीं है कि वो शादी 50 करेंगे, तो ऐसा नहीं है, उनकी खुद की बेटियां वगैरह होंगी, नवासियां पोतियां, इस तरीके से जो है ना तादाद ख़वातीन की होगी। और ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी जो है वो बयान फरमाई गई है। अपनी वेबसाइट और ब्लॉग के लिए ख़रीदें अपनी खुद की सबसे सस्ती सी पैनल होस्टिंग kadrihosting.com से। अगर आप हमारा कूपन कोड SMS वारसी यूज़ करेंगे तो आपको स्पेशल ऑफ़र भी दिया जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। कब से अपनी खताओं का शुमारा जा